तो बेटा ये क्लास 8 स्कॉलरॉजी वर्कशीट के क्वेश्चंस हम डिस्कस भी कर रहे हैं और रिकॉर्ड भी कर लेंगे आपके साथ। तो चैप्टर का नाम है स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट, ठीक है जी। तो पहला क्वेश्चन क्या है इस वर्कशीट में, द सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नेचुरल नंबर्स। इस चीज को सिखाने के लिए मैं कहता हूँ फर्स्ट टू ऑड नंबर्स कौन से हैं इस दुनिया में, 1 3, उनका सम क्या होगा, 1 प्लस 3 4। ये कितने ऑड नंबर्स हैं बेटा, फर्स्ट टू ऑड नंबर्स हैं, ठीक है। तो आप पैटर्न नोट कर रहे हो, 2 है तो ये 2 का स्क्वायर है, ध्यान से देखो, 2 है तो ये 2 का स्क्वायर है, 4 हुआ। इस तरह से बताना बेटा फर्स्ट 3 ऑड नंबर्स कौन से हुए, 1 3 एंड 5। अगर मैं इनका सम कर दूं तो क्या आएगा बेटा, नोट करो, 9 आएगा, शाबाश। कितने ऑड नंबर्स हैं ये, 3 है ना काउंटिंग में, तो 3 का स्क्वायर 9 हुआ। 3 का स्क्वायर क्या हुआ बेटा, 9 हुआ। इसी तरह से अगली चीज बताओ, बताओ बेटा इधर, 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7, इनको नॉर्मली भी ऐड करो एक बार, 7 प्लस 5 12 और 3 15। लेकिन अगर आपको ये पता लग गया ये 4 ऑड नंबर्स हैं, कितने ऑड नंबर्स हैं बेटा ये, इनका जो सम होगा 4 का स्क्वायर 16। करेक्ट, समझ आई बात। चलो आपको एक क्वेश्चन और देते हैं, ये मैंने रब कर दिया। वन प्लस थ्री प्लस फाइव प्लस सेवन प्लस नाइन प्लस इलेवन प्लस 13 प्लस 15। अब जल्दी से बताओ, कितने ऑड नंबर्स हैं बेटा ये, कितने ऑड नंबर्स हैं ये, 8 है, काउंट करो, 8 ऑड नंबर्स हैं ये, तो 8 का स्क्वायर कितना हुआ, 64। आपको काउंट करने की भी जरूरत नहीं है, लास्ट ऑड नंबर क्या है, 15, इसमें 1 ऐड करो, 16, इसको 2 से डिवाइड करो, 8। तो अगर आपको कभी भी ऑड नंबर्स की काउंटिंग करनी हो, अगर 1 से स्टार्ट हो रहे हो तो लास्ट ऑड नंबर में 1 ऐड करो, 2 से डिवाइड कर दो, तो आपको उन ऑड नंबर्स की काउंटिंग पता लग जाएगी, 15 प्लस 1 16 बाय 2 8 ही है, अगर हमने मैनुअली भी काउंट की है तो। कितने ऑड नंबर्स हैं बेटा, 8, तो 8 का स्क्वायर कितना हुआ बोलो, 64। समझ आ गई ये बात। अब जो एक्चुअल क्वेश्चन था शीट में, ये सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नंबर्स, बोलो एन स्क्वायर नहीं हो जाएगा, जितने भी ऑड नंबर है, अगर 5 है तो 5 का स्क्वायर, अगर एन ऑड नंबर है तो फॉर्मूला क्या बना, एन स्क्वायर, यही हमारा आंसर हो गया। तो ऑप्शन में एन स्क्वायर भी था, वही हम मार्क कर देंगे। सबको समझ आ गया, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन। हाँ जी।